अनित अतिथि वो जो स्टेज पर सबको नमस्कार, क्योंकि मैं सबके नाम नहीं जानता और आप सबको नमस्कार। देखिए जब भी मंथन होता है हमेशा अमृत निकलता है, ये इतिहास गवाह है। चाहे भगवान के शिव की उसके हुआ हो या अभी हुआ हो, तो सीमा जागरण मंच का एक बाकी सराहनीय है पहले ही। दूसरा मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए देश को है ना सरकार नहीं चलाती, देश को संस्कार चलाते हैं और वो हमारे ऊपर है कि भैया हम उसको कैसे करते हैं। जो आजकल के बच्चे हैं मैं देखता हूँ ढेर सारे जगह मुझे मौका मिलता है जाने का, IIT IIM या हार्वर्ड तक, तो ये हम सोचते हैं कि हम आगे जा रहे हैं मगर हम आगे नहीं, हम थोड़ा पीछे जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि भैया देखो पैसा कमाना या नाम कमाना या काफ़ी चीज़ें अर्जित करना वो काम नहीं है। मैं एक बात सोचता हूँ कि भैया मेरा देश महान तो मेरा क्या योगदान। हम सब अगर ये बात सोचेंगे तो देश आगे चला जाएगा। एक्चुअली आजकल बच्चे क्या होते हैं, पढ़ते हैं डिग्री लेते हैं तो साक्षर तो बन जाते हैं, हम साक्षर यानी डिग्री लेके पढ़ा हुआ, मगर शिक्षित आदमी वैल्यू से ही बनता है। तो भैया कोशिश करो कि अपने बच्चों को वैल्यू दो। अब रही बात जो हम बता रहे थे कि सीमा की, उसकी तो बात ये है कि हमारा देश तब बदलेगा जब हम खुद बदलेंगे। खुद कहाँ से बदलेंगे, जब हमने शुरुआत कर दिया कि भैया हमें बदलना है तो तब हम अपने बच्चों को चीज देंगे। और याद रखना आजकल के बच्चे हैं ना वो आपकी बात मानेंगे नहीं, जो आप करेंगे वो देख के सीखेंगे। मैं जैसे भी बात किया इन्होंने, मैं टूटूट में गया था, मैंने एक शो किया था जो भारत पाकिस्तान का, जो ये कह रहे हैं कि लास्ट विलेज, मैं कहूँगा कि प्रथम विलेज है। और ये हम सबका फर्ज है। मैं कोई भी काम करता हूँ मैं देखता हूँ कि भैया इसमें समाज का कोई भला हो रहा है, देश का कोई भला हो रहा है। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे थे विजय भाई ने बताया मुझे, तो मैं कह रहा हूँ कि बात कोल्ड ड्रिंक की नहीं है, बात गुटके की नहीं है, बात किसी और चीज़ की नहीं है। हमें क्या है कि कबीरदास साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि मुट्ठी बांधे जन्म लिया हाथ पसारे जाना है, इस दरा का इस दरा पर सब दरा रह जाना है। पता नहीं हम किस लिए भाग रहे हैं, हम सारी चीज़ कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे वो कह रहा हूँ कि सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी कोई फर्क नहीं पड़ता, देश है ना पहले माँ तो यही है, देश यही रहेगा, हमें उसके लिए काम करना चाहिए। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि भैया कोई व्यक्तिगत है या कोई सरकार है मैं उस पर ध्यान नहीं देता, सरकार तो हम बनाते हैं। मैं ध्यान उस पर देता हूँ कि भाई हम व्यक्तिगत उसमें हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, कितना कर सकते हैं। जिंदगी सबके लिए सेम है। जब मैंने शुरुआत की तो मुझे आज भी याद है हमारे पैरों में जूते नहीं होते थे, बस काफ़ी राह नहीं होता था, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। बाकी आप सब ठीक है, मैं फिजिकल डिसेबल था क्योंकि मुझे रूमेटिक अर्थराइटिस था और ये सब बोलते थे कि भैया बीमारी डेथ के साथ जाते हैं। जो डॉक्टर थे बोलते कि बीमारी 99.9% ठीक ही नहीं होती। और घर वालों थोड़े पैसे इकट्ठे किए और मुझे बड़े अस्पताल में लेके आए, डॉक्टर एक मतलब हॉस्पिटल में दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि मुश्किल से ये बच्चा 6 महीने जिंदा रहेगा। तो सब ने गिव अप कर दिया, मेरी माँ ने कभी हार नहीं मानी। अगर मेरी माँ पढ़ी लिखी होती, किताबें पढ़ी होती ज़्यादा होती तो शायद साइंस में बिलीव कर लेते। मगर याद रखो ये हमारा शरीर और सारी चीज़ें ना नेचर से चलता है, साइंस से नहीं चलता। साइंस को तो हमने बनाया है। अगर आपको जिंदगी में आगे जाना ना तो नेचर के दोस्त बनो, तभी देश आगे जाएगा, तभी आप आगे जाओगे। अब आजकल के बच्चों को मैं देखता हूँ वो कहते हैं भाई पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, तो ये 500 कैलरीज खा ली, ट्रेडमिल में जाएंगे आई हैव बर्न 550 कैलरीज। अब उन्हें कैसे समझाऊँ कि भैया कोई मेरे जैसा कम पढ़ा लिखा इंसान वो कैलरी लिख देता है उस पर काउंट कर देता है, इससे कुछ नहीं होता। अगर आप अपना सर्कल बनाओ, आजकल पता है क्या कि आजकल हम उल्लू बन रहे हैं। उल्लू क्या होता है, पूरी रात जागता है दिन में सोता है। अब आजकल ये बहुत से कहेंगे कि वो फिर क्या कहेंगे आई एम पार्टी एनिमल, पूरी रात जागेंगे और फिर वो पार्टी एनिमल है 40 के बाद ना चलते फिर कैमिस बन जाएंगे, 4 बजे खानी है, 7 बजे खानी है, 8 बजे खानी है। तो वो हम सब क्यों करें कि भैया अपना नियम दिनचर्या करो। और मेरा ही मानना ये है कि अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है ना, सीमा दूर की बात, जब अपना घर सुरक्षित नहीं रख सकते। अगर आपका शरीर ठीक है तो आप सारी चीज़ कर सकते हैं। और एक पुरानी कहावत है, जैसा खाओगे ना वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसे निकलेगी पानी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो अपने शरीर पर काम करो, अपने उस पर काम करो। तो मेरी माँ मुझे दिन में 10-12 बार मसाज करती थी, कभी तिल के तेल से, कभी सरसों के तेल से, कभी देसी घी से, कभी आयुर्वेदिक ऑयल से। तो मैं खड़ा हुआ, मैं ठीक हुआ, आप यकीन करेंगे मैं पिछले 30 साल से, माफ़ करना मैं सिर्फ डॉक्टरों की बहुत इज्जत करता हूँ,
ना मैं उनको जानता, ना मैं उनकी मानता, ना मैं उनकी सुनता, क्योंकि याद रखना कि नेचर से आप एक्चुअली ठीक हो सकते हो। साइंस में कुछ बीमारी का समाधान है, मगर सब समाधान नहीं है। मैं प्योर वेजिटेरियन हूं और मैं अब तक 40 साल की एज करीब हो गई, मैं अब एमएमए करने जा रहा हूं रेसलिंग से, जो मैं फंसी में हूं। तो मैं आप सबको कह रहा हूं कि ये ढेर सारी चीजें हैं ना, सारा पोटेंशियल हमारे अंदर है कि भाई हम उसको कैसे ले सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। और कोई नहीं, देश अपना, मैं एक बात सोचता हूँ कि भैया देश अपना है। शायद हो सकता था कि कोल्ड ड्रिंक ऐड करके या तम्बाकू का ऐड करके या गुटखे का ऐड करके या करके दो पैसे तुम कमा सकता हूँ, दो पैसे जाए काम पे। अगर आप सारी चीज करते हैं, मैंने गाँव में देखा कि एक बच्ची है ना, मई जून के महीने में ऐसे पैदल जा रही थी, उसके पैर में चप्पल नहीं थी। तो मैंने सोचा इतनी उसमें ये बच्ची जा रही है तो क्या है, बोले इसकी मदर नहीं, इसके फादर नहीं है। तो कर्ता परमात्मा है, हमने उसका जरिया बनना स्टार्ट किया था। अब है ना 150 बच्चे फैमिली हो गए जिनकी एजुकेशन का यूनिफॉर्म का मैं जरिया बनता हूँ। कर्ता वो जिसमें से 90 लड़कियाँ हैं, बाकी लड़के हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि कोशिश करो। मैं किसी से एक रुपया नहीं लेता, मैं बोलता हूँ कि भैया जो मैं कमाता हूँ उसका 5-10% डाल देता हूँ। छोटा सा मैंने भी फाउंडेशन बनाया है, तो बात वही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो ईमानदार होना, सॉरी थोड़ा सा एक मिनट टाइम लूंगा, मुझे लगता है थोड़ा लेट ना हो जाए। ईमानदार होना एक अच्छी बात है, ईमानदार होने से देश नहीं चलता। काम के लिए ईमानदार होना अच्छी बात है कि भैया मैं ईमानदार हूँ, अच्छी बात है, मगर आप काम के लिए कितने ईमानदार हो जरूरी है। तो वो आपके ऊपर है कि आप कितना वो ईमानदारी से काम करते हो। अब बहुत से कहते हैं कि भैया ये वो सरकारी पोस्ट पे है, वो अधिकारी वही निकल रहा है, वो मंत्री ये निकल रहा है। तो मैं हैरान हो जाता हूँ। याद रखना कि ये 2.5 दिन होते हैं, 2.5 दिन जिसमें आते हैं ना, अगर हम अपने आप को पहचानेंगे ना। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, हमारी हार वो नहीं है कि दुनिया में नहीं पहचानती, हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं पहचानते। शेर और चीता कितने ताकतवर हो, मगर भेड़िया कभी सरकार से परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि वो जानता है वो भेड़िया है, आप उसे परफॉर्म नहीं करवा सकते। तो मेन बात यही है कि हम अगर अपने आप को पहचानेंगे, अपने आप को कोशिश करेंगे। अब मैंने मेरे गांव में क्या कर रखा है, जैसे मेरे गांव के बहुत अनुभव हैं एनजीओ के, इन सब के क्या करते हैं, मैं ढेर सारे बच्चों को कर रखा है कि भैया आप एक काम करना, आप है ना पेड़ लगाना। अब हम कहते हैं कि भाई हमारे ये जलवायु चेंज हो गया है, ये सारी चीज़ की हमारी आबादी 140 करोड़ है, उससे ज़्यादा ही है। अगर 140 करोड़ में से सिर्फ 100 करोड़ इंसान एक साल में एक पौधा लगाएं और 10 साल तक आगे लगाएंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ कि भारत जलवायु का कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं उस पर। ये हमारे ऊपर है कि भाई हमें करना क्या है। अब हम AC लगा रहे हैं, गाड़ियाँ बना रहे हैं, वो देश की तरक्की है ना, रोड बनाने से या बिल्डिंग बनाने से नहीं होती। देश की तरक्की होती है कि भैया उसका नैतिक मूल्य कितने आगे बढ़ गए हैं, कि बच्चों में कितना उसका वो है देश के लिए। और जहाँ से ये है, मैंने भी वैसे शुरुआत की है। तो मैं आपसे तो यही कहूँगा कि भैया चाहे कुछ हो या ना हो, आप अपने बच्चों में है ना वैल्यूज दो। अगर वो वैल्यूज है तो सब कुछ सही है। अब मैं ढेर सारी फैमिली से मिलता हूँ जो बड़ी बड़ी बात कर देती हो, मेरा बेटा तो कूड़ा पैकेज दे रहा है, मेरा बेटा कूड़ा पैकेज दे रहा है। कोविड में मैंने देखा काफ़ी फैमिलीज का, वो बेटे से कूड़ा पैकेज दे रहे हैं, माता पिता वो यूज़ करते हैं, बाहर चले जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अंतिम संस्कार तक नहीं आते। ये बड़ी बात करने कोई फायदा नहीं। अगर आपका बेटा 5,000 रुपये कमा रहा है और आपके साथ बैठे खाना खा रहा है ना, तो वो उन लाख करोड़ों से लाभ ना देते हैं। पैसे से या किसी पद से या किसी इंसान थोड़ी बड़ा थोड़ी होता है। बड़ा इंसान वो होता है जिससे मिलकर आप छोटा फील ना करो, जिसकी सोच सही हो। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि भैया वो एंटरप्रेन्योर है, वो ये सब है, तो पता क्या करता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं देखता हूँ भैया चलो PM साहब से मिलो, बहुत अच्छी बात है, भैया सम्मानित इंसान है। तो क्या होता है, बड़ा इंसान वो होता है जिसकी सोच सही होती है, जिसके पास पद का, किसी पैसे का, प्रतिष्ठा का कोई प्रभाव रहता है नहीं। अब मुझे पता रहता है कि भैया देखो याद रखो, जिसका वजूद होता है वो बिना पद के मजबूत होता है। तो आप अपना वजूद मजबूत करो, अपने आप को मजबूत करो। और याद रखो, बनो तो वो पेड़ बनो कि पेड़ रहेगा तब छांव देगा, फल देगा, गिरेगा तब भी सीड देगा, लकड़ी देगा, फिर से पेड़ उगेंगे। तो हमें जिंदगी का लक्ष्य हमारा यही होना चाहिए कि हम कैसे किसके काम आ सकते हैं, किसका क्या कर सकते हैं, बाकी कुछ है नहीं यही। लेकिन और ये जो अपने लिए करते हैं ना, अपने लिए करते हैं वो चले जाते हैं। देखो प्रकृति बड़ी सुंदर एक मैसेज देती है। फल दो प्रकार के होते हैं, एक फल होता है जो पेड़ जैसे
जैसे जामुन है, आम है, या आम है, जामुन है, या एक दो बेल है, ये सामने से फल देते हैं, अमरुद है, तो क्या करते हैं हम इनकी बहुत देखभाल करते हैं, इनमें पानी डालते हैं, खाद डाल देते हैं, और फिर से अगले साल फिर ये फल देते हैं। दूसरे पेड़ क्या होते हैं, जैसे आलू है, जो दूसरे पेड़ होते हैं आलू है, या शकरकंदी है, या प्याज है, इनको हमें खोद के निकालना पड़ता है। तो क्या होता है कि एक बार ही फल देते हैं, फिर इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो इंसान भी यही है, अगर आप निस्वार्थ होकर दोगे तो लोग आपका ध्यान रखेंगे, समाज आपको याद रखेगा, देश आपको याद रखेगा। जो जो आप खुद सेल्फिश हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, जो कुछ अपना अपना फल छिपा कर रखते हैं, अपनी चीज़ के लिए करते हैं, तो वो जड़ से खोद दिए जाते हैं, यानी समय रहते भुला दिए जाते हैं। महाराणा प्रताप जी कितने बड़े इंसान थे, उनको हम सब जानते हैं, हम मगर उनके सुपुत्र कौन थे हम नहीं जानते। याद रखना कि आप है ना अपने कर्म से जाने जाओगे, अपने नाम पैसे से नहीं जाने जाओगे। तो कुछ का ऐसे कर्म करो ना, ऐसे कार्य करो कि भैया आपके जाने के बाद भी आपका नाम रहे। और इतिहास है ना, याद रखना इतिहास हमेशा त्यागियों का लिखा जाता है, भोगियों का इतिहास लिखा नहीं जाता। अगर आपको इतिहास का पाठ करना है तो आपको तो ऐसी चीज देखे जानी पड़ेगी, भैया मैं ये कर सकता हूँ, ये हो सकता है। तो हम जहाँ पे भी हैं, जिस जगह भी हैं, हमें वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। ये कहते हैं ना, जब एक एक बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, एक छोटा सा जुगनू भी अगर उसकी दिशा सही है, उसकी सोच सही है, तो भी सूर्य काम करता है, दीपकानी सूर्य काम करता है। तो हम जहाँ पे हैं मेक श्योर उसको बदलाव लेके आओ। ये यहाँ पे हम सब मिलने का कुछ एक एक औचित्य लेके जाएंगे, भैया मैं मुझे पता नहीं कि सब कितना करेंगे, मगर मैं ये काम करने की कोशिश करूँगा या करूँगी, तो जाके तब हमारा देश मान से मानदम बनेगा। हमारा देश अब मैं कह रहा हूँ, बच्चों को ही मत पढ़ाओगे मैं आज़ादी कैसे मिली, बच्चों को ही पढ़ाओगे गुलाम कैसे हुए। आज़ादी का महत्व नहीं था, हम गुलाम कैसे, गुलाम कैसे भी गुलाम, छोटे से स्वार्थ के लिए, छोटे से उसके लिए हमने अपनी जमीन का, अपने देश का, अपने संबंधों का, अपने भाईचारे का सबका सौदा कर दिया। तो याद रखो, अगर आप ईमानदार हो, सही चीज सोचते हो, तो फिर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि भैया कोई आपके लिए क्या सोचता है, हमेशा रहो। और ये सराहनीय मुहिम है, मुझे इसे चलने का मौका मिला, बात करने का मौका मिला, मगर मैं बात एक हमेशा कहूँगा कि जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, हम इंसान हैं, हम मूव कर सकते हैं, हम हिल सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। नमस्ते, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद संग्राम सिंह जी, काफ़ी लोगों को इंस्पिरेशन मिल गया है अभी, और बहुत अच्छी बात की आपने। और अभी मैं बुलाना चाहूँगा श्री पीपी चौधरी जी को, जो हमारे